अक्षय कुमार के फैंस के लिए खुशखबरी की बात सामने आ रही है। हेरा फेरी के एक्टर श्याम यानी के सुनील शेट्टी ने अक्षय कुमार को फिल्म में साइन करने की मांग की है। दरअसल अक्षय कुमार ने एक हिंदुस्तान टाइम के इवेंट में कहा था कि वो हेरा फेरी 3 नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही है। अक्षय के इस बयान के बाद करोड़ों लोगों का दिल टूट गया था, जिस पर अक्षय की जगह फिल्म में कार्तिक आर्यन को साइन कर दिया गया। लेकिन इस पर सुनील शेट्टी ने साफ और खुले लफ्जों में कहा है कि राजू के बगैर श्याम नहीं है और श्याम के बगैर कोई बाबूराव नहीं है और हम तीनों के बगैर कोई हेरा फेरी नहीं है। दरअसल सुनील शेट्टी, परेश रावल और अक्षय कुमार तीनों ने हेरा फेरी 3 साइन की थी, लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से अक्षय कुमार फिल्म से हट गए हैं, जिस पर सुनील शेट्टी ने कहा है कि वो फिल्म में अक्षय कुमार को लेकर ही आएंगे। इसके साथ ही अब सुनील शेट्टी ने इस फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है। इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने कहा कि उंगलियां क्रॉस कर गई हैं क्योंकि मैंने हर बार कहा है कि अक्षय के बिना हेरा फेरी 3 नहीं बन सकती। मुझे ये नहीं पता कि अक्षय को ये स्क्रिप्ट क्यों पसंद नहीं है, लेकिन मैं अक्षय के पास जाऊंगा और अक्षय से फिल्म में वापस आने की मांग भी करूंगा क्योंकि अक्षय कुमार मेरे बेहद ही करीबी दोस्त हैं। वो मेरी बात कभी भी नहीं टालते। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अक्षय को फिल्म में वापस आने को कहूंगा तो वो हाँ करेंगे। अक्षय पर फैंस लगातार दबाव बना रहे हैं कि अक्षय किसी भी हालत में हेरा फेरी 3 नहीं छोड़े। लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षय सुनील शेट्टी के समझाने पर जरूर हेरा फेरी का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल इस पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताएं और भी बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए हिस्टोरिकल टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।